दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे गूगल मैप डेटा एक्सट्रैक्टर किस तरह काम करता है। इस सॉफ्टवेयर के थ्रू आप गूगल मैप बिजनेस में जो भी बिजनेस लिस्टिंग है उन सब बिजनेस का आप डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जैसे उनकी कंपनी का नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, उनका वेबसाइट एड्रेस, ये सब डेटा आप वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं और अभी फ्री ऑफ कॉस्ट, इसमें आपको एक पैसा भी खर्चा नहीं करना है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो। तो सबसे पहले हम अपनी जीमेल आईडी पर लॉगिन कर लेंगे। यहाँ पर मैंने लॉगिन कर दिया है, अब मैं एक नया टैब ओपन करूंगा यहाँ पर, और यहाँ पर हम टाइप करेंगे chrome.google.webstore और यहाँ पर पहले ऑप्शन है, उसको हम क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर सर्च ऑप्शन में हम टाइप करेंगे जी मैप एक्सट्रैक्टर। पहले ऑप्शन यहाँ पर आपको जी मैप एक्सट्रैक्टर का दिखा देगा, उसको हम क्लिक कर लेंगे और यहाँ पर ऐड टू क्रोम कर देंगे, ऐड एक्सटेंशन पे क्लिक कर देंगे। अब जी मैप एक्सट्रैक्टर का यहाँ पर जो है एक्सटेंशन ऐड हो चुका है क्रोम में। तो जब भी मुझे डेटा एक्सट्रैक्ट करना है गूगल मैप का, तो मैं यहाँ पर एक्सटेंशन पे क्लिक करूंगा और जी मैप एक्सट्रैक्टर पे क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो नया विंडो ओपन हुआ है जी मैप एक्सट्रैक्टर का। यहाँ पर हमें कीवर्ड टाइप करना है, जिस भी कीवर्ड रिलेटेड आपको सर्च करना है, हॉस्पिटल्स इन अंधेरी या हॉस्पिटल्स इन नवी मुंबई, तो यहाँ पर आपको कीवर्ड टाइप करना है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल के लिए यहाँ पर एक कीवर्ड टाइप करके दिखाता हूँ डेटा किस तरह डाउनलोड होता है। तो मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ बायोमेट्रिक अटेंडेंस डीलर इन नवी मुंबई और यहाँ पर स्टार्ट प्रोसेस कर देंगे। अब आप देख सकते हैं गूगल मैप एक्सट्रैक्टर चालू हो गया, गूगल मैप चालू हो गया यहाँ पर, और गूगल जो है एक कंपनी को स्क्रॉल करना चालू कर देगा, सेकेंड कंपनी। जैसे जैसे गूगल यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करते जाएगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे टास्क बार में, अब जब इसे ओपन करेंगे मैप एक्सट्रैक्टर को, तो यहाँ पर देखिए डेटा कलेक्ट हो रहा है, टोटल डेटा कलेक्टेड 6 हो गया, 7। तो इस तरह ये एक एक डेटा कलेक्ट करते जाएगा। अभी फिलहाल मैं एक्सट्रैक्टर को बंद कर देता हूँ, सर्चिंग को बंद कर देता हूँ, और यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल डेटा कलेक्टेड 10 डेटा कलेक्ट हुए मेरे पास। इनको मैं एक्सपोर्ट कर दूंगा यहाँ से, एक्सपोर्ट CSV। और यहाँ पर आप देख सकते हैं डाउनलोड हो चुका है ये डेटा, और मैं इसे ओपन करूंगा शीट को। तो यहाँ पर आपको कंपनी का नाम, कंपनी एड्रेस, पिन कोड, फोन नंबर, इनकी वेबसाइट, ये सब डेटा आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे आने वाले अगली वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।